एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मिर्जापुर के सीजन 3 को लेकर के एक अपडेट सामने आई है। अब आप लोग ये कहोगे कि सीजन 3 जो कि कब का रिलीज भी हो चुका है और लोगों ने उसको देख भी लिया है, लेकिन हाँ, उसको लेकर के एक अपडेट सामने आई है। अगर आप लोग को जानना है कि ये अपडेट क्या है तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिर्जापुर के सीजन 3 को लेकर जो अपडेट सामने आई है उसमें रिलीज हुआ है एक वीडियो, और उस वीडियो में है आप सबके फेवरेट गुड्डू पंडित यानी अली फजल। गुड्डू पंडित का कहना यह है कि मिर्जापुर के सीजन 3 को लेकर के एक बोनस एपिसोड रिलीज होने वाला है। अब आप लोग ये कहोगे कि बोनस एपिसोड ये क्या चक्कर है। अरे भाई, मिर्जापुर फ्रेंचाइजी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है और मिर्जापुर फ्रेंचाइजी के सीजन 1 और सीजन 2 ने लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन भी करा है, और इसी वजह से लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट थी सीजन 3 को लेकर के। लेकिन जब सीजन 3 रिलीज हुआ तो लोगों को वो मजा नहीं आया। जो सीजन 3 था वो भोकाल ही नहीं मचा पाया जो सीजन 1 और सीजन 2 ने मचाया था। मिर्जापुर फ्रेंचाइजी की जो ऑडियंस थी वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुई थी सीजन 3 को लेकर के, और जो सीजन 3 था उसकी जो एंडिंग थी उसको ओपन रखा गया था, जिसे देख के साफ पता लगता था कि मिर्जापुर का सीजन 4 भी आएगा। लेकिन जहाँ ऑडियंस मिर्जापुर के सीजन 3 से डिसअपॉइंट हो गई है, वहाँ मिर्जापुर का सीजन 4 कौन ही देखेगा। और शायद इसीलिए मिर्जापुर के सीजन 3 को थोड़ा सा क्रिस्प और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आ रहा है मिर्जापुर सीजन 3 का एक बोनस एपिसोड। लेकिन मिर्जापुर के सीजन 3 के बोनस एपिसोड में क्या है, तो उस एपिसोड में है आप लोगों के लिए बोनस, मतलब मिर्जापुर में भोकाल मचाने वाला वापस आ रहा है। वो बंदा वापस आ रहा है जिसको गुड्डू पंडित ने खुद मारा था। कुछ समझ में आया? काफी लोग समझ भी गए होंगे, नहीं तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि मिर्जापुर के आने वाले इस बोनस एपिसोड में आपको नजर आने वाले हैं मुन्ना त्रिपाठी। अब आप लोग कहोगे कि मुन्ना त्रिपाठी, उसका तो फिंडल दिखा दिया सीजन 3 में। वेल, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि जब मुन्ना त्रिपाठी का सीजन 3 में फ्यूनरल हो रहा था तो उनके उस फ्यूनरल में उनकी वाइफ के अलावा और कोई नहीं था। तो हो सकता है कि मुन्ना त्रिपाठी के इस फ्यूनरल के पीछे कोई प्लान हो, और इस प्लान का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि मुन्ना त्रिपाठी खुद ही हो। पहले मिर्जापुर की सीजन 3 में से मुन्ना त्रिपाठी को हटा करके सीजन 4 में दिखाने का डिसाइड किया गया था। ये डिसाइड हुआ था कि मुन्ना भाई का जो कमबैक है वो सीजन 4 में होगा, लेकिन जो ऑडियंस का डिसअपॉइंटमेंट था सीजन 3 को लेकर के, उससे मिर्जापुर के सीजन 4 भी खतरे में आ गया था। और शायद इसी वजह से मेकर्स ने ये सोचा कि मुन्ना त्रिपाठी वाला जो ट्रम्प कार्ड है उसको अब यूज किया जाए और अब रिलीज किया जाए मिर्जापुर सीजन 3 का एक बोनस एपिसोड। और इस बोनस एपिसोड में ना केवल मुन्ना भाई का कमबैक होगा बल्कि मिर्जापुर सीजन 3 के जो डिलीटेड एपिसोड्स हैं वो भी दिखाए जाएंगे। लेकिन ये एपिसोड आएगा कब? तो न्यूज के अकॉर्डिंग ये एपिसोड आएगा अगस्त के मिड के बाद। फाइनल डेट क्या है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन अगस्त के मिड के बाद ही ये एपिसोड रिलीज होगा। अब देखना यह है कि ये बोनस एपिसोड क्या लेकर के आता है और कितना भोकाल मचाता है, और वो सब देखने के लिए हमें वेट करना होगा इस एपिसोड के रिलीज होने का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।